हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? और मेरे ख्याल से सब अच्छे ही होंगे। और अभी हम सुबह सुबह रेडी हो गए हैं भाई। 9 बज रहे हैं, टाइम देखो 9 बज रहे हैं। और हमें जाना है अभी मथुरा। मथुरा में हमें हॉस्पिटल की तरफ से कुछ काम है अपना। डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं और 2-2.5 घंटे लगेंगे अपना एक्सप्रेस वे से जाने से। फिर मैंने वैसे सुबह सुबह चाय वगैरह तो पी ली थी, पकौड़ी खा ली थी सुबह। और अब बस निकलने वाले हैं, हम वेट कर रहे हैं, डॉक्टर अभी आने वाले हैं घर के नीचे। मैं और भी आए हैं। सुदेश भैया कैसे हो? हेलो, बढ़िया, फाइन, सब बढ़िया। बढ़िया, कितने टाइम लग जाएगा हमें जाने में? 2 घंटे। 2 घंटे लग जाएंगे। चलो अभी तो 9 बज रहे हैं, तो 11 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे हम। जी जी, चलो ठीक है, चलो मिलते हैं आगे। अभी लोग आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ आगे, ठीक है? मामा यादव होटल पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे चाय भी बड़ी फेमस है और कुछ नाश्ता पानी के लिए। तो अभी आगे का ब्लॉग मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आइडिया मेरी आँख में नहीं खुल रही, धूप में इतनी तगड़ी धूप है। अब थोड़ा छाए में आगे बनानी पड़ रही है ब्लॉग, ठीक है? चाय वगैरह पी ली है और अब निकल रहे हैं फिर हम आगे की तरफ, और मैं आगे का ब्लॉग आपको दिखाऊँगा। सुबह सुबह चाय पीने के बाद मेरे को तो नींद आ रही है। सामने लंदन कैफे, लंदन में आ गए हम। लंदन कैफे है, लंदन कैफे, लंदन में आ चुके हैं हम। वॉशरूम भी इसका बहुत अच्छा दिखाता हूँ, यहाँ पे ये भी ले सकते हो। ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, घर में भी अच्छी लगती है रखी हुई। यहाँ पे कैंडी वगैरह भी है, लेनी हो तो किसी को बता दो, ले आऊंगा। चलो अच्छी बात। ये रहा एक्सप्रेस वे, इससे हम नीचे उतर गए। अब ये वाला मथुरा के लिए जाएगा सीधा वृंदावन में। वैसे अभी हम सीधा रास्ता निकलता है वाला गेम जोन है, सब गेम एक्टिविटी है यहाँ पे। मतलब आधे घंटे लगेगी पहुँचने में, आधे घंटे बाद मथुरा, फिर 6 बजे तक वापस कर। नंबर वगैरह ऊपर जाते हैं। अच्छा, ये भी सही है, फर्स्ट टाइम ही देखा मैंने सिस्टम, अच्छा है। निकल पड़े हम मथुरा के लिए, मौसम भी अच्छा हो गया। पहुंच गए फाइनली और अभी फ्रेश व्रेश होके फिर निकलेंगे आगे। अभी खाने का टाइम हो गया, अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के हमारे, मतलब जहाँ पे हम रुके थे उसी के पास है ब्रजवासी। तो अब हम यहाँ पे, मैंने ऑर्डर कर दिया छोले भटूरे और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे फेमस है ये काफ़ी, होटल भी है ये, यहाँ पे लोकेशन है यहाँ पे। ये टोकन नंबर अभी हमारा 76 है, 72 चल रहा है, इसके बाद आएगा फिर ऑर्डर मिलेगा हमारा। बहुत तेज भूख लग रही है भाई, इसलिए मैं तो चाय तो पी ली थी। वॉटर कैसा खाना है, टेस्ट करना है।
अब खाना खाने के बाद थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल लेंगे, दो ढाई घंटे में घर पहुँच जाएंगे। जाम बहुत है रोड पे वैसे यहाँ पे, पर दो ढाई घंटे तो लग ही जाएंगे। चलो ठीक है, खाना आ जाए। आगे भाई अपने छोले भटूरे देखते हैं, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। आगे देख, हमारी गाड़ी खड़ी है उधर। चलो बंद होने का वेट करते हैं, फिर निकलते हैं। तेज हो रही है, मैंने तो कैप लगा ली क्योंकि सर ना भीगे, ठंड हो रही है ऐसे भी। रुक जा भैया रुक जा। लड़ाई हो गई। कौन अपना अपना जवाब इनकी लड़ाई के चक्कर में दूसरे और लेट होंगे। देश कहाँ गया? वो तो इधर वॉशरूम गया है। वॉशरूम? वॉशरूम गया, कहीं और गया है। गाड़ी भी छोड़ गए। आ गया आ गया। पीछे से निकाल लो यार, क्या हुआ? पता नहीं इसका सेंसर क्या हुआ। तो पीछे से निकाल लो आप। पीछे गाड़ी अभी एक लगी हुई थी इसलिए नहीं तो निकाल देते। इनके चक्कर में हम और लेट हो जाएंगे। एक बार फर्जी पोज भी होती है। हाँ ये काट देते हैं, बाद में ऐसे जाता है। ये गाड़ी वाला ही है? अरे उसकी गलती, गाड़ी वाले इतनी ही है। फिर गलती टोल वालों की है ना, इनका ऐसी काम है। इसका भी नहीं हो रहा ना, देखो ये भी यहाँ पे फंसा, बैक ले रहा है अपनी गाड़ी। वो पता है क्या, एक ही बंदा है, वो इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। ये टोल वाला उधर की लाइन में चला रहा है जाके, और इधर की भी। क्या हुआ, क्या सीन है? अरे उसका कट गया है, डबल टैक्स काट रहा है और ऑन नहीं कर रहा है। यही तो हराम पना है। दोनों गाड़ियों का कट गया उसका, एक इसका भी कट गया, आगे का भी कट गया। यही तो हराम पना है इनका। चल भाई कट गया तो। ये कौन सी गाड़ी वाला है जो खड़ा अंकल? उसी की है ना, वो आगे भी गाड़ी खड़ी बेचारे की। हमारा देखते हैं, हो गया ओपन। अंकल सही लड़ रहा है मतलब है? अरे उसका उसका कट गया, इसका एक बार कट गया पहले, दोबारा उसी के साथ में कट गया, फिर काट रहा दोबारा। हरामी है साले, ऐसे करते हैं। 20 मिनट खराब कर दिए उन्होंने, 20 से 25 मिनट। फाइनली यार अभी घर आया हूँ। देखो टाइम देख लो कितना हो रहा है। कहीं जाने में तो मजा आता है, लेकिन आते वक्त ना हालत खराब हो जाती है, थक जाते हैं यार बहुत ज्यादा। सुबह मैं निकला था 8:30 बजे के आसपास निकला था घर से,
वहाँ 2-3 घंटे, 3 घंटे में तो अप्रोक्स पहुंच ही गए थे वहाँ पे। फिर आते 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 जाम, एक तो संडे था ना, मथुरा में बहुत ज्यादा जाम था और ट्रैफिक की वजह से हमें आने में भी लेट हो गया और खाने भी खाया, बारिश भी पड़ने लगी थी। मैं सोच रहा बारिश में ट्रैफिक खुल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया। डेली की तरह माहिर हर ब्लॉग में जैसे आपको मिलता है, फिर यहाँ आज मिलेगा। माहिर बोलो गुड नाइट, टेक केयर सबको, इधर देख के बोलते हैं, बोलो जल्दी, टाटा।